Now we are starting the third part of question number 1, exercise 2.2, class 10th, हमारे पास चल रही है, हमें find out करने इसके zeros, 6x square minus 3 minus 7x, brother सबसे पहले आप इसको देखिए और सोचिए, क्या ये standard form में लिखा है, standard form का मतलब होता है कि जैसे आपने बचपन में ascending, descending order पढ़े होंगे, तो यहाँ क्या है power की, descending order में है, घटते हुए क्रम में, पहले x की power 2 है, और फिर उसके बाद x की power 1 यहाँ पर है, x की पावर 1 को यहां आना चाहिए यानी ये इस तरह से लिखा होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर x की पावर 0 इसके साथ x की पावर 0 है बात समझ रहे हैं तो x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर यहां पर 0 है ठीक है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है और दूसरी बात मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि आप कोएफिशिएंट को ढूंढ लीजिए x स्क्वायर के आगे जो होगा वो a होगा x के आगे जो होगा वो b होगा और विदाउट x जो यहां पर होगा वो आपके पास c होगा फिर अगला ऑप्शन हम क्या करते हैं हमें फैक्टर बनाना है तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम 6 3 जा किनारों की गुणा 36 18 माइनस के 18 और आपके पास अगर उसे ऐड करें तो माइनस के 7 तो दो आपने ऐसी संख्या सोचनी है अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 18 आ जाए 9 2 जा और अगर आप उसको ऐड करते हैं तो माइनस के 7 आ जाए तो ये आपके पास यहां पर ऑप्शन आ चुका है तो बड़े इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 और इसको आपने दो बार लिखना है कैसे माइनस के 9x और प्लस के 2x आप ब्रदर 6 और 9 कौन सी टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है तो 3x कॉमन ले सकते हैं 3 2 जा यहां पे 2x हो गया 3 3 जा यहां पे 3 बच गया ठीक है इसका x तो बाहर कॉमन जा चुका है ठीक है ना ऐसे ही आप यहां पर प्लस के 1 निकालिए तो सेम टू सेम वही अंदर रह जाएगा तो आपके पास दो बॉक्स हो गए 3x plus 1 और 2x minus 3 अब हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है जीरोस और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं इन्हीं को उठाकर जीरो के बराबर रख देते ये लीजिए सर आपके पास ये ऑप्शन आ गया ठीक है 1 को उस साइड लेके जाओ ट्रांसफॉर्मिंग अदर साइड दैट इज 3x equal to minus 1, x equal to, पता है ना, ये 3 इसके साथ multiply कर रहा है, तो वहाँ पर upon में, यानि कि divide में आ जाएगा, same case here, 2x equal to 3, and x equal to 3 by 2, now I have alpha, this one is the alpha, इसे हम alpha मानेंगे, 1 by 3, and that one is beta, और beta मेरे पास आ गया 3 by 2, यहाँ पर मेरे पास ये अल्फा बीटा क्या है आप x करके बोलना चाहते हैं तो x करके बोल लीजिए वैसे अल्फा बीटा करके बोलेंगे तो 10th क्लास ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि आपको इसी तरह की आदत रखनी है तो पहले वाले जीरो को आपने अल्फा बोल दिया और दूसरे वाले जीरो को आपने बीटा बोल दिया अब हमने क्या बताना है सर रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिए आप पहले सम निकालिए सम क्या होता है सम का एक फार्मूला रहता है -b / a और वैसे आपके पास क्या है अल्फा और बीटा है तो आपको यहां पर सम मैंने इधर लिख दिया है सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी / a अल्फा कितना है -1/3 बीटा कितना है 3/2 और यहां पर माइनस बी देख लीजिए ये रहा एक माइनस ये रही एक माइनस ये रही मैंने 7 प्लस का लिख दिया है और a आपके पास 6 है यहां पर आप एलसीएम लीजिए 6 आ गया 3 2 जा 6 -2 और 2 3 जा ये देखिए 9 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 7/6 इधर भी आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6 ये तो वेरीफाइड हो चुका है आप प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लीजिए तो प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा इक्वल टू c / a याद है तो अल्फा कितना है -1/3 और आपके पास है बीटा कितना है 3/2 और यहां पर c कितना है सर -3 / a कितना है 6 तो आपके पास ये 3 से 3 कैंसिल हो गया -1/2 और यहां 3 1 जा 3 2 जा इक्वल टू -1/2 यानी कि ये जो रिलेशनशिप था ये वेरीफाई हो चुका है हमारे YouTube चैनल में आपको मिलेंगे मैथ से रिलेटेड इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड साइंस से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस वो भी सबसे आसान तरीके से जैसे आपको आपका एक दोस्त पढ़ाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल उस तरीके से तो अगर मैथ्स आपको हार्ड लगती है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल और आसानी से मैथ्स को सीखते रहिए थैंक यू